हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम इंटरनेट से संबंधित एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। इंटरनेट का टॉपिक आईटीआई एग्ज़ाम जो कोपा ब्रांच से संबंधित एग्ज़ाम होने वाला है टीओ का, उस एग्ज़ाम में इंटरनेट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे 6 से 7 टॉपिक है, मैं आपको फिर से बता दूँ। एक इंटरनेट, HTML, CSS, JavaScript, उसके बाद वेब ब्राउजिंग और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके जो कि सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% निश्चित है। इस वीडियो में हम इंटरनेट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, क्वेश्चन के बाद हमें आंसर समझना है। इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? याद रखना, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है HTML के कोड पढ़ने और उसे वेब पेज पर बदलने के लिए। इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम सबसे नया वेब ब्राउज़र है, आप ध्यान रखना इस बात को। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? तो ध्यान रखना, क्रोम के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाता है, ई कॉमर्स वेबसाइट। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? सोशल नेटवर्किंग है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? याद रखना, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, होम पेज जो फर्स्ट पेज ओपन होता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना, जंप करना क्या कहलाएगा? ब्राउजिंग कहलाता है, ब्राउजिंग। किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाएगा? किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है, URL। प्लीज़ अटेंशन, आपको PDF से ज़्यादा कम समय यहाँ पर लगेगा, इसको एक एक बार आप रीड कर लो, PDF की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। गूगल किसका उदाहरण है? गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? याद रखना, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमको उसे रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, रिस्पॉन्सिव। किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का नाम, ध्यान रखना, वो एक प्रकार का डोमेन नेम होता है और ये डोमेन नेम ईमेल एड्रेस से संबंधित। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता, आप ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को भी सर्च करना, क्या ये सही है? ऑप्शन सी। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? याद रखना, इनमें से इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? याद रखना, इनमें से ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? लिनक्स। लिनक्स एक टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है, लिनक्स। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? इनमें से एक कंप्यूटर में लगभग 3 से ज़्यादा वेब ब्राउज़रों को एक साथ चलाया जा सकता है। इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? याद रखना, UC ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड ज़्यादा होती है, UC ब्राउज़र में। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? एज ने, EDGE ने वेब ब्राउज़र जो है इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? वेबसाइट इन सभी का कलेक्शन होता है, HTML डॉक्यूमेंट्स का, ग्राफिक फाइल का, ऑडियो एंड वीडियो फाइल का, ये सभी का। वर्डप्रेस को हम क्या कहते हैं? वर्डप्रेस को हम कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट कहा जा सकता है। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? इनमें से ट्विटर एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, ट्विटर। वेब डिज़ाइन में CMS की फुल फॉर्म क्या होगी?
वेब डिज़ाइन में CMS की फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS का फुल फॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CSS की फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS का फुल फॉर्म है। इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये एक प्रकार की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? फेसबुक एक प्रकार की वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। बाकी हॉटगेटर वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और वो है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में एक बार बनाने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई चेंजेस, कोई वेरिएशन नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है? HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? वेब पेज, ध्यान रखना, वेब पेज सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है, वेबसाइट। WWW को किसने बनाया था? WWW को टीम बर्नर्स-ली ने बनाया था। वेब क्रेवलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वेब क्रेवलर को ऑप्शन बी, वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, वेब स्पाइडर। SERPs की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस होता है। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस SERPs का फुल फॉर्म है। येंडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? ये रशिया से संबंधित है येंडेक्स। अगला पॉइंट है, याहू सर्च इंजन कब बना था? याहू सर्च इंजन 1995 में बना था। ये डेट आप ध्यान रखना, ईयर है 1995, याहू सर्च इंजन बनाया गया था। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल है, गूगल। अल्टाविस्टा क्या है? अल्टाविस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है। याद रखना, अल्टाविस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है। SEO की फुल फॉर्म क्या होती है? SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा होता है? चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन बेडू, ऑप्शन डी। हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हम इमेज, वॉइस, टेक्स्ट सभी का इस्तेमाल करेंगे। वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है? देखो, वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है, उसको कहेंगे वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू। अगला पॉइंट है, BOM की फुल फॉर्म क्या होती है? BOM की फुल फॉर्म होती है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ये सारे आप फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाना स्वाभाविक है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑप्शन डी। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट अलाउज यू टू एक्सेस साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी। पहला वेब ब्राउज़र कब बनाया गया था? पहला वेब ब्राउज़र, फर्स्ट वेब ब्राउज़र क्रिएटेड इन 1990 में। पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? पहला वेब ब्राउज़र, फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली ने। इनमें से किसे नया ब्राउज़र कहा जाता है? याद रखना, गूगल क्रोम को एक नया वेब ब्राउज़र कहा जाता है।
इनमें से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है जो आज सभी इस्तेमाल करते हैं? लिनक्स। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किस कंपनी का है? गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र क्रोम है, क्रोम, जो कि गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इनमें से कौन सा भारतीय वेब ब्राउज़र है? याद रखना, एपिक एक भारतीय वेब ब्राउज़र है। एपिक, ये नाम आप ध्यान रखना, एपिक एक भारतीय वेब ब्राउज़र है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, पहचानो आप? फायरफॉक्स एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स। इनमें से किस वेब ब्राउज़र की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? याद रखना, ओपेरा की वेब ब्राउज़र जो है उसकी ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और मतलब कि डाउनलोड करने की स्पीड किस में होगी? यूसी ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा। अभी तक हमने 52 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और ये इंटरनेट संबंधित इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। स्पेशली जो बच्चे ITI TU एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस टॉपिक को ज़रूर देख लेना। इसके बाद और भी कई सारे टॉपिक मैं अपलोड करने वाला हूँ, जैसे HTML, CSS, JavaScript, साइबर सिक्योरिटी, वेब ब्राउजिंग, और 2-3 और है इम्पोर्टेंट जिसको मैं कवरअप करने की कोशिश करूँगा। आप पढ़ते रहिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और कुछ सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।